नमस्कार दोस्तों, मैं भगवंत अनमोल आज आपको मन, दिमाग और शरीर के बारे में बताऊंगा कि ये तीनों चीजें आपस में जुड़ी हुई कैसे हैं और ये मन शरीर से अपना काम कैसे करवाता है। तो हम लोग काफ़ी पढ़ाई करते हैं, बीटेक करते हैं, बीए करते हैं, पर कहीं ना कहीं उन चीज़ों को पढ़ना भूल जाते हैं जो सच में हमें जीवन जीना सिखाती, सफलता का मार्ग दिखाती और जीवन में खुश रहना सिखाती। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मन, दिमाग और शरीर क्या है। चलिए, आप YouTube देख रहे हैं तो आप एक टेक्नोलॉजी से काफी जुड़े हुए हैं, तो इसलिए मैं उसी के लहजे में बताता हूं। आपका शरीर जो है वो बिल्कुल इस कंप्यूटर के हार्डवेयर की तरह है। जैसे आपको दिख रहा है ये हार्डवेयर, वैसे ही आपको अपना शरीर भी दिखता है। और ये कंप्यूटर जो है कई हार्डवेयर से मिलके बना है, तो अपना दिमाग भी उस कंप्यूटर का एक हार्डवेयर है। और इस कंप्यूटर के अंदर काफी सॉफ्टवेयर बड़े होते हैं, ठीक उसी तरह जो अपने पास में मन है वो उस दिमाग का सॉफ्टवेयर है। अब आपके पास कोई प्रश्न उठ रहा होगा या आप क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे होंगे, तो मैं उदाहरण लेके बता देता हूं कि मान लीजिए आप इस कंप्यूटर में कोई मीडिया फाइल, कोई गाना, कुछ भी चलाना चाह रहे हैं, पर आपके कंप्यूटर में वीएलसी प्लेयर या कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं पड़ा है जिससे कोई मीडिया फाइल चलाई जा सके, तो आप उस गाने को कैसे सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते। ठीक वैसे अगर आपके मन रूपी सॉफ्टवेयर में अच्छे अच्छे विचार जो आपको जिंदगी में सफलता की राह दिखाते हैं, जो आपको जिंदगी जीना सिखाते हैं, जो आपको ठाड़े मार के हंसना सिखाते हैं, अगर आपने उन्हें नहीं डाला हुआ है, उन प्रोग्राम्स को अपने मन में नहीं डाला हुआ, तो आप वो चीजें अचीव ही नहीं कर सकते। और ज्यादातर होता क्या है कि हम असफल लोगों के विचार, असफल लोगों के आइडियाज, असफल लोगों के एक्सपीरियंस ही मन में डाले रहते हैं। जिंदगी बड़ी दुखदाई है, जिंदगी में बड़ा कॉम्पिटिशन है, जिंदगी में बड़ा। उस समय होता क्या है कि हमारे पास वीएलसी प्लेयर नामक कोई प्रोग्राम सॉफ्टवेयर नहीं पड़ा होता है, जिस वजह से हम सफलता जैसी मीडिया फाइल को चला सकें। और हम उस जगह पे ये समझ नहीं पाते कि हमारे साथ में ऐसा क्यों होता है। तो आज अब आप इस चीज को जान गए, तो अब आप अपने मन में अच्छे से अच्छे विचार को डालेंगे, जिस तरह से कंप्यूटर में अच्छे से अच्छे प्रोग्राम्स को डालेंगे। जैसे आपको सफलता पानी है तो सफल लोग जीवनियां पढ़िए, मोटिवेशनल किताबें पढ़िए, उनकी तरह बनना सीखिए, आपके विचार ही आपको सफल बनाएंगे। अगर आपको खुश रहना चाहते हैं तो खुश होने वाले लोगों को जानिए, उन्हें समझिए, आप खुश रहना सीखिए। चलिए आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मन कितने टाइप के होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। तो अभी के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।